इंदौर से इलाहाबाद का सफ़र करने वाले ये तमाम एक बस के अंदर मौजूद थे लोग, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या वजह थी आपको इस तरीके से भर के आना पड़ा? सर घर वहाँ पे 24 घंटे का लॉकडाउन भी लग गया था, उसके वजह से शादी भी है घर में, उसी के कारण से जा रहे हैं सर। शादी भी है घर में, तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि जिस तरीके से इस तरीके से भरे हुए आप लोग एक बस के अंदर आ रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है? हाँ सर, वो तो जरूरी है ना। क्या करते हैं आप? सिर्फ काम करते सर। काम करते हो, क्या करते हैं आप? काम करते हैं, स्लाइडिंग का जॉब करते हैं सर। जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते हो? पूना में। पूना में। पूना से इंदौर तक कैसे आए थे? ऐसे ही आए थे सर, बस से आए थे, वहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए थे। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए? यहाँ पे चौराहे पे भरे हैं ना, दो चार ज्यादा भरे हैं सर, 10-12 आदमी, 10 से 15 जो है यहाँ पे सर भरे जो है। रीवा में? हाँ, रीवा में। रीवा में तुम लोग जब चले थे कितने लोग थे? वहाँ से हम लोग चले थे सर, जो सीट पे बैठे थे, लेकिन यहाँ 20 में भर लिए जो है। इन सवारियों का साफ तौर से कहना है, हम लोग तो नियम कानून का पालन करते हुए चले थे, लेकिन कंडक्टर ड्राइवर ने रास्ते में ओवरलोड सवारी भर ली। ओवरलोड सवारी भरने का नतीजा सीधा साधा साफ है, ये तमाम लोग अब यहाँ पर परेशान होंगे। परेशान होने की वजह भी है, कोरोना काल चल रहा है, इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सरकार इस समय, रीवा का पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है, वो चाहता है कि कोरोना की गाइडलाइन जो भी शासन ने दिशा निर्देश तय किए हैं उसका पालन किया जाए, ना पालन करने पर इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम में, यहाँ पर डीएसपी मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जो भोपाल इंदौर से इलाहाबाद जा रही थी। यहाँ पर ये तमाम लोग एक बस के अंदर थे, कोरोना काल चल रहा, हम सीधे मनोज वर्मा जी से ही जानेंगे। सर, किस वजह से आपने गाड़ी रोकी आज? ये बस हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के भ्रमण के दौरान उनको देखने में आई थी, जिसको उनके निर्देश पर रोका गया है और यहाँ लाया गया। तो जो बस की कैपेसिटी परमिट है उससे लगभग दुगनी से भी ज़्यादा इसमें पैसेंजर्स हैं, जो कोरोना फैलाने में काफ़ी सहयोग प्रदान करने की उम्मीद दिख रही है, तो इनको रोका गया और इनके विरुद्ध महामारी अधिनियम 188 डीएम साहब के आदेशों की अवहेलना और 269-270 महामारी अधिनियम और 66/192 ओवरलोड मोटर व्हीकल एक्ट की धारा की कार्रवाई की जा रही है। और इन सवारियों को, इनके जो बस के केयर टेकर हैं या मालिक हैं, उनको बताया गया है कि इन सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग की बसेस उपलब्ध कराई जाए और इनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जहां इनको जाना है हम पहुँचाएँगे। ये तमाम लोग एक बस के अंदर मौजूद थे। 60 घंटे का मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, जिस तरीके से एक बस के अंदर इतने लोग अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है। पिछले दो दिनों से मैं बार बार बता रहा हूँ, 82 और 83 कोरोना पेशेंट निकले। इस तरीके से जब एक बस के अंदर सवार होंगे यात्री, और तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कोरोना को बढ़ाने में ये कितनी मदद साबित करेंगे। इस गाड़ी को रीवा के पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर रोका है, अब इनके जाने का इंतज़ाम किया जा रहा, कहा जा रहा है इस तरीके की गाड़ी बुलाइए जिस पर सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों को पालन करते हुए इनको उस जगह पर तक भेजा जा सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।